हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। और ये मैं कुछ जो है इजी क्वेश्चंस जो आए हुए थे जो मुझे लगे ठीक है वो मैं पार्ट ए का जो जून 2019 का संडे को पेपर हुआ उसका सोल्यूशन है कुछ का जो मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे इजी लगे। वैसे ये वाला पोर्शन मेरा काफ़ी वीक है ओके, फिर भी काफ़ी इसमें इस बार काफ़ी ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन का मैं बात करता हूँ। दिया ये 12 बॉल्स रीच ऑफ द कलर्स रेड ग्रीन एंड ब्लू एंड येलो आर पुट इन अ बॉक्स, ठीक है ये वाला मुझे नहीं आता है। सेकेंड वाले की बात करते हैं, इसमें दिया है सम एलियंस ऑब्जर्व दैट रूस्टर कॉल बिफोर सनराइज एवरी डे हैविंग नो अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट रूस्टर एंड सनराइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस वुड नॉट बी वैलिड, ठीक है कह रहा है कुछ एलियंस ने ऑब्जर्व किया कि रूस्टर कॉल होता है बिफोर सनराइज एवरी डे, ठीक इसके बेसिस पर चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से वैलिड नहीं है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा मुझे जहां तक लगता है वो फोर्थ वाला सही होगा। रूस्टर कॉल एंड सनराइज मे बी इंडिपेंडेंट साइक्लिक, क्योंकि रूस्टर कॉल और सनराइज दोनों अलग अलग साइक्लिक इवेंट हो सकते हैं विद द सेम पीरियडिसिटी, ठीक है अगर उनका पीरियडिसिटी सेम होगा तब ऐसा वो डेली होता रहेगा कि रूस्टर कॉल होगा फिर सनराइज होगा, ये वैलिड रीजन हो सकता है। बोथ में भी ट्रिगर्ड बाय कॉमन काज, ये भी सही हो सकता है बोथ में भी ट्रिगर्ड बाय कॉमन काज, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं, रूस्टर कॉल में भी काजिंग द सनराइज, ऐसा भी हो सकता है रूस्टर कॉल की वजह से, ठीक है मे हर जगह मे लिखा है ठीक, मे भी फर्स्ट वाले में भी सेकेंड वाले में भी थर्ड वाले में भी मे बी काजिंग द सनराइज, ठीक है। लेकिन आप फोर्थ वाला ऑप्शन देखेंगे, इसमें लिखा है सनराइज कैन नॉट बी द काज ऑफ रूस्टर कॉल एज द रूस्टर कॉल प्रसीड सनराइज, कह रहा है सनराइज में काज नहीं हो सकता रूस्टर कॉल के लिए क्योंकि रूस्टर कॉल हमेशा जो है पहले सनराइज के होता है, तो ऐसा कहना गलत होगा क्योंकि हमें पता नहीं है कॉज इसीलिए। लेकिन ये इसने स्ट्रिक्टली बोला है सनराइज कैन नॉट बी द काज, इसीलिए ये ऑप्शन जो होगा नॉट वैलिड होगा, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हम सही करते हैं यहाँ पे, ये फोर्थ वाला, ठीक है फोर्थ वाला ऑप्शन इसका ये हम सही करते हैं यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये दूसरे का पहला है, जो भी आपका सेट हो ये सेट बी का था, ठीक है चलते हैं तीसरे पे। ये 21 लेटर्स वाला ये मुझे नहीं आया, फोर्थ वाला भी मुझे नहीं आया, ठीक है फिफ्थ वाला आसान है, ये बायोलॉजी से थे आपका क्वेश्चन, कह रहा है इन ए बैक्टीरियल सेल अ प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड एट रैंडम लोकेशन, कह रहा है एक बैक्टीरियल सेल में प्रोटीन जो है वो उसका सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है किसी रैंडम पोजीशन पे रैंडम लोकेशन पे साइटोप्लाज्म में, कह रहा है द प्रोटीन हैज़ टू रीच वन पोल ऑफ द सेल फॉर इट्स अप्रोप्रिएट फंक्शन, कह रहा है उस प्रोटीन को सेल के एक पोल में पहुंचना है उसके अप्रोप्रिएट फंक्शन के लिए, ठीक है कह रहा है द प्रोटीन रीचेस द पोल, और कह रहा है प्रोटीन उस पोल तक पहुँच भी जाती है, उसके लिए कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल होगी, केमिकल अट्रैक्शन रैंडम मूवमेंट एंजाइमेटिक एक्शन अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस, एंजाइमेटिक एक्शन जो है वो नहीं ले जाता है ना, तो अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस ये होता है केमिकल अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है अगर एक केमिकल को एक साइटोप्लाज्म में किसी लोकेशन से दूसरे वहाँ पे जाना है तो वो कहाँ से जाएगा दूसरे पोल पे, केमिकल अट्रैक्शन के द्वारा ही मोस्ट प्रोबेबली जो है मुझे जहाँ तक लगता है केमिकल अट्रैक्शन ही होगा उसका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, 6 आया था ये प्रीशियस स्टोन ब्रेक्स इनटू, ये वाला भी मुझे नहीं आता। 7th वाला जो है ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, दिया है टू रनर्स स्टार्टिंग टुगेदर रन ऑन अ सर्कुलर पाथ टेकिंग 6 and 8 minutes, ठीक है पहला रनर एक सर्कुलर को पाथ को 6 minutes में पूरा करता है, दूसरा 8 minutes में पूरा करता है रिस्पेक्टिवली, और वो साथ साथ में दौड़ता है टू कंप्लीट वन राउंड, ओके तो इसको जो है आप ऐसा समझिए कि यहाँ पे ये एक अगर जैसे ये सर्कल हुआ आपका, ये सर्कल हुआ और इसी के बगल मैंने दूसरा सर्कल रख दिया, इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, ये ऐसा वाला सर्कल, तो पहला वाला जो है ना अंदर की तरफ दौड़ रहा है और दूसरा वाला बाहर की तरफ दौड़ रहा है, तो इसको कम मिनट लगेगा, ये 6 minutes में कंप्लीट करेगा और ये बाहर वाला उससे कम टाइम में
उससे ज़्यादा टाइम लगेगा इसको। कह रहा है एक ही जगह जहाँ जिस पॉइंट पे उन्होंने स्टार्ट किया कितने मिनट बाद फिर उनको उसी जगह पे वो मिल जाएंगे। तो इसके लिए कुछ नहीं करना था आपको, यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है छः, यहाँ पे एक मिनट मैं इसको कलर चेंज कर दूँ ताकि इसको दिखे। आपको करना क्या था, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2। करना क्या था आपको, कुछ नहीं, 6 से 12 आता है, फिर आता है 6 के बाद 18वें मिनट पे, 24वें मिनट पे, फिर 30वें मिनट। इसको इतना एक कंप्लीट करने में इतना मिनट लगता। अब आप दूसरे के लिए देखेंगे, पहला चक्कर पूरा करने में 8 मिनट, मतलब जहाँ से वो लगा था, ठीक है। फिर जो भी मिनट पे जो मिनट सेम होगा उसी पे ये दोनों मिलेंगे उसी पॉइंट पे, ठीक। ये हुआ 16, ये हुआ 24। तो आप देख रहे हैं दोनों में कॉमन क्या है, 24 24। इसका मतलब है ये 24वें पे फिर उसी जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था वहाँ पे मिलेंगे छठों। लेकिन जिसने अपना एक चक्कर 6 मिनट में कंप्लीट कर रहा है वो उसी पॉइंट पे पहुँचेगा 24वें मिनट पे, उसका चौथा चक्कर पूरा होगा। और ये जो 8 मिनट वाला है ये 24वें मिनट पे उसी पॉइंट पे पहुँचेगा, इसका उस टाइम तीसरा चक्कर कंप्लीट होने वाला रहेगा। तो ये बहुत आसान था, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही होता, यही सही होता, 24 मिनट पे, ठीक है। ये जो है यहाँ पे है आपका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला 24। इसके बाद आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेड सिक्योर बाय स्टूडेंट इन अ क्लास इज गिवन इन अ टेबल बिलो। कह रहा है एक मतलब एक क्लास में ग्रेड्स बटे ए बी सी डी, और कितने पॉपुलेशन का कितना फ्रैक्शन उसको मिला है वो दिया हुआ है, 0.1, 0.4, 0.3 एंड 0.2। वॉट इज़ द लीस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन ऑफ द क्लास। कह रहा है उस क्लास का पॉपुलेशन का लीस्ट नंबर कितना हो सकता है। अगर आप देखेंगे दो लड़के रहें पॉपुलेशन, अगर आदमी की बात कर रहे हैं तो भाई वो क्या होगा, पॉइंट में रहेगा नहीं। दो लोगों को बात करते हैं तो पहली बात तो 4 ग्रेड है और हमें पता है चारों ग्रेड बटे हुए हैं, तो एक आदमी को 2 ग्रेड तो मिलेगा नहीं, एक आदमी को 1 ग्रेड मिलेगा। तो यहाँ पे जब 4 ग्रेड हैं तो कम से कम 4 तो लड़के होने ही चाहिए। लेकिन आप देखेंगे जब फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन ए मिला है 0.1 को, बी मिला है सबसे ज़्यादा 0.4% को, इसका मतलब 4 भी नहीं है। अगर 4 ग्रेड हों और 4 ही लोग हों तब तो सबको कितना देना पड़ेगा आपको, 0.25 तब बराबर होता है। इसीलिए जो मिनिमम पॉपुलेशन होगा वो कितना होगा, 10 आपका, और इसका ऑप्शन 10 सही है। नाइन्थ मुझे नहीं आता। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच अमंग द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट वुमेन मदर्स एंड ह्यूमन बींग। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 चीज़ दिया गया था, ये देखिए ये रिमेनिंग है यहाँ पे आपका 3rd 4th फिगर, ठीक है। इसमें आप क्या देख रहे थे, यहाँ पे 1st एंड 2nd फिगर यहाँ पे है आपका, ठीक है। ये आपका 1st एंड 2nd फिगर, और इधर जो आपका दिया हुआ था, इधर भी मुझे पेन ऑन कर लेना चाहिए, ये आपका 3rd एंड 4th फिगर। तो आप देखेंगे क्या मदर्स क्या है, मदर्स हैं क्या आपका, फर्स्टली ह्यूमन बींग्स हैं मदर्स, और वुमेन ह्यूमन बींग्स होंगी, उसके अंदर ह्यूमन बींग्स में मेल फीमेल्स आते हैं, तो फीमेल्स में वुमेन आएंगी, वुमेन में बहुत सारे होंगी। वुमेन आप जानते हैं छोटी बच्ची हो सकती है 6 से 10 साल की, 11 साल की, 12 साल की, उसमें से बहुत मदर्स होंगे। तो ह्यूमन बींग जो होगा वो बड़ा ग्राफ होगा, उसके अंदर ही आएंगे वुमेन, और वुमेन के अंदर से ही आएंगी मदर्स आएंगी। तो जो भी ग्राफ बनेगा उसके लिए सबसे सुटेबल जो ग्राफ है आपका ये फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट ये ऑप्शन उसका सही होगा, ठीक है। ये बात था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक, चलते हैं अगले पे, ये उसी का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। दिया है अ बॉय एंड अ गर्ल मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक बॉय और अ गर्ल देख फॉलोइंग स्टेटमेंट कह रहा है देती हैं। द वन इन अ वाइट शर्ट, जो एक वाइट शर्ट में, यहाँ पे जेंडर नहीं दिया हुआ है, जो वाइट शर्ट में है वो बोलती है आई एम अ गर्ल, वो स्टेटमेंट 1 है। और जो दूसरा ब्लू शर्ट में है वो बोलता है आई एम अ बॉय, ठीक है। यहाँ पे लेकिन जेंडर नहीं दिया हुआ है, केवल शर्ट के कलर के बेसिस पे, वाइट शर्ट वाला या वाली बोल रहा है आई एम ए गर्ल, ब्लू शर्ट वाला या वाली बोल रहा है आई एम बॉय। अब इसके बेसिस पे 4 स्टेटमेंट दिया है, कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताइए। कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इन ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो जेंडर स्पेसिफाई किया नहीं है,
ठीक है, कि वाइट शर्ट वाला फीमेल है या मेल है, तब स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हो सकता है या स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट होगा, इसकी कोई बात ही नहीं है। सेकंड पे आएंगे, स्टेटमेंट सेकंड इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ करेक्ट, ये दोनों एक दूसरे का कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे थर्ड पे आते हैं, बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट, ऐसा भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कि आप इसके बेसिस पे बोल दें कि वाइट शर्ट वाला झूठ बोल रहा है या झूठ बोल रही है, ऐसे ब्लू शर्ट वाला झूठ बोल रहा है कि मैं लड़का नहीं हूँ। तो फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही होगा, जो है द करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड कैन नॉट बी असर्टेन, हम इसको असर्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी क्वाड्रिलैटरल्स डज द फॉलोइंग फिगर्स हैव, इसमें कितना क्वाड्रिलैटरल्स हैं, आपको ये काउंट करना था, मैं काउंट करके बताता हूँ, ठीक है। इसमें दिया है आप ये देखिए, 1 2 3, 1 2 3 4, ये 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 हो गया। अब आते हैं 7 के बाद ये बड़ा वाला आपका क्या हो जाएगा, 8, और ये बड़ा वाला आपका हो जाएगा 9। अब ये 10 11 12 13, एक सबसे बड़ा वाला 14, फिर 15 16, सबसे बड़ा वाला 17, ये 18। एक्चुअली इसे 19 होना होगा, मतलब इसमें मैंने वो बना दिया है, अब इसको मैं वो नहीं कर सकता, ठीक है, फिर भी इसका आंसर क्या होगा, 19। आप सही से कैलकुलेट करेंगे, इसमें मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, 1 2 3 4, देखो बड़े बड़े वाले में जो छोटे खाने हैं वो कितने हैं, 7 हैं, फिर 8 9, इधर 10 होगा, फिर इधर 11 होगा, फिर इधर 12 होगा, इधर 13 होगा, छोटा वाला 14 होगा, फिर इधर 15 होगा, और ऐसे 19 है इसमें, ठीक है, मैं इसमें काउंट नहीं कर पा रहा हूँ, पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 19 है, ठीक, मैंने काउंट किया है। 13वां क्वेश्चन इसका सही नहीं होगा, मतलब मुझे नहीं आता, 14वें का भी मुझे पता नहीं, 15वें का भी मुझे पता नहीं, 16वें का बहुत आसान है, एन ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स इज मेड बाय क्यूबिंग, कुछ नहीं करना था इसमें, आपने एरिया निकालते हैं, आप आसानी से निकाल सकते हैं, ये 40 सेंटीमीटर × 40 सेंटीमीटर का है, कॉर्नर पे इसको कट करना है 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर, और यहीं से मोड़ना है, जब ये मुड़ेगा ना तो ये बन जाएगा क्या आपका, ये बन जाएगा आपका हाइट की तरीके से काम करेगा, ठीक है, ये चारों जगह से इसको मुड़ना है, ये अंदर की तरफ मुड़ जाएगा, और जो इसका एरिया आएगा सेमी क्यूब में आपको ज्ञात करना है, 10 ऊपर से निकल गए, 10 नीचे से निकल गए, बचा बीच में 20, ठीक है, तो 20 × 20 ये होगा, कुल मिला के होगा 400, और इसको आप हाइट भी गुणा करेंगे इसमें 400 × 10 से, तो आपका आ जाएगा आंसर 1000, तो कुल मिला के हो जाएगा 4000। 17वां क्वेश्चन भी मुझे नहीं आता है, ठीक है, अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पे, 18 वाला भी मुझे नहीं पता, 19 वाला भी नहीं पता, 20 वाला नहीं पता, ठीक है, तो इसी के साथ ये सेक्शन ए का जो क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे मुझे जितना पता था उसको मैंने सारा आंसर आपको बता दिया, और भी वीडियोस में मैं सेक्शन बी और सी की बात करूँगा, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।